विद्यालय में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। विद्यालय के प्राचार्य ने सभा में उठ करके संबोधन किया कि विद्यालय में विज्ञान कक्ष बनना है, जिसके लिए पधारे ही महानुभावों से निवेदन है कि सहयोग करने की कृपा करें। कोई चू मुंह नहीं किया, जो पधारे थे वो पधारे रहे, बैठे रहे, कोई बोला नहीं, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी कौन बंधे, सहयोग के लिए कौन उठकर खड़ा हो। विद्यालय में विज्ञान कक्ष बनना है, लेकिन पधारे ही महान भाव, उनके मन में कौड़ी दान देने की इच्छा नहीं है। प्रिंसिपल सोचता है कुछ न कुछ, कोई न कोई तो देगा। बड़ी देर तक सन्नाटा हो गया। लोग बड़े विचित्र हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका देने का मन होता है, ऐसे भी कम लोग हैं संसार में जो दूसरों को देने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जो देने वालों की सराहना करते हैं, ऐसे भी कम लोग हैं जो देने वालों का सम्मान करते हैं, ऐसे भी जगत में कम लोग हैं जो देने वालों को आदर देकर प्रोत्साहित करते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि बिना आपके दान के ये काम नहीं हो सकता था। भारत देश में और विश्व के किसी भी देश में दान का हमेशा महत्व रहा है। कोई स्कूल के लिए भूमि दान देता है, कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए भूमि दान देता है, कोई आश्रम बनाने के लिए भूमि दान करता है। जितेंद्र सिंह कह रहे थे जहां पर सत्संग हो रहा है, ये 2.5 बीघे जमीन हम आपको दान देंगे, आप आश्रम बना दीजिए। तो मैंने उनको समझाया कि आप दान मत करो, हम आश्रम नहीं बनाएंगे, आप अपने परिवार के लिए रखो, आगे आपके बच्चे होंगे। उनको आश्चर्य लगा कि 2.5 बीघे दे रहा हूं, 21 मॉडल का साधु है जो ले नहीं रहा। मैं ऐसे जमीन किसी की लेता नहीं, मैं उसकी कंडीशन को भी आकलन करता हूं, इसकी लेना ठीक है कि नहीं ठीक। अभी जैसे मुकेश अंबानी 250 एकड़ दे तो हम ले लेंगे, वो देने लायक है। और ये जितेंद्र सिंह 2.5 बीघे दे तो भी नहीं लूंगा, ये देगा तो नहीं लूंगा, और मुकेश अंबानी देगा नहीं तो भी लेने के लिए तैयार, वो देगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि वो इस तरह देता नहीं। हालांकि मुकेश अंबानी एक दानी व्यक्ति का नाम है, कम दानी नहीं। जिस समय गुजरात में भूकंप आया था, कच्छ भुज में उन्होंने एक गांव गोद में लिया था, 1200 घर अपनी तरफ से बनवा कर बाथरूम आदि रेडी करके, रोड बनाकर, लाइट लगाकर सबको चाबी सौंप दिया था, 1200 घर। दानी तो हैं, लेकिन वो अलग ढंग से दान देते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं, जिससे परिचय प्रेम हो गया उसको देते हैं। लेकिन उस सभा में एक महानुभाव उठकर खड़े होते हैं, उन्होंने कहा विज्ञान कक्ष की प्रयोगशाला मैं बनवाऊंगा, 1 लाख लगे या 2 लाख लगे, सबने तालियां बजाती। कोई अच्छा काम करता है उसके लिए ताली बजाना भी एक कठिन कार्य है,
क्योंकि ताली बजाने का मतलब हम उसको सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए कई बार लोग ताली बहुत धीरे बजाते हैं, ऐसे ऐसा लगता उनके हाथ में फफोले। विधानसभा और लोकसभा में तो ताली बजाते ही नहीं, वो मेज बजाते हैं। बड़े आलसी लोग सीधे बैठकर अपने हाथ पे हाथ नहीं मार सकते, वो मेज पीटते हैं। और ताली बजाने से अपना भी फायदा है। जब तुम ताली बजाते हो, यहां पर ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट एक को पंक्चर हो जाते हैं, इससे आपके शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती है। इसलिए याद रखना, ताली तो ऐसे ही कम से कम दिन भर में 4-5 बार बजा दिया करो, और पति पत्नी मिल के ताली बजाओ, पूरे घर में तालमेल बैठ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो पति पत्नी ताली नहीं बजाते हैं, ये लोटा थाली बजाते हैं। हम और हमारे शिष्य लोग आपस में ताली भी बजाते हैं और हंसते भी हैं। और हमारी हसमुख जमात, संत भी हंसते हैं, हम भी हंसते हैं, सभी संत खुश रहते हैं, कोई संत दुखी है ही नहीं। क्योंकि दुख वहां रहता है जहां दुर्गुण होते हैं, और जिसमें दुर्गुण आते हैं उसको हम दूर कर देते हैं। या तो दुर्गुण दूर करो या तुम दूर हो जाओ, दो में से एक काम करो। तो हमारे साथ में बहुत फिल्टर माल रहता है, कचड़ा हटाते रहते हैं और फिल्टर छान के रखते हैं। क्योंकि याद रखना, आपके साथ में 10 किलो टमाटर में अगर आधा किलो सड़े टमाटर है, तो सवेरे तक वही आधा किलो जो सड़े टमाटर है, वे 5 किलो अच्छे टमाटर को भी सड़ा डालेंगे, दुष्प्रभाव फैलता है। आपके घर में एक लेडीज अगर गलत आ गई है, वो एक लेडीज पूरे घर को बिगाड़ सकती है। एक भाई अगर गड़बड़ है, पूरे घर के संगठन को तहस नहस कर सकता है। एक आदमी राजनीतिक पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और एक व्यक्ति की गलती पूरे आश्रम को विध्वंस कर सकती है। और बड़े लोगों से गलतियां भी बड़ी होती है, बड़ों की जब कलम चलती है तो सैकड़ों की गर्दनें कलम हो जाती है। मुख्यमंत्री अगर कलम चला दे तो न जाने कितने लोग कलम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कलम चलती है, सब गुंडे बदमाश कलम होते चले जा रहे हैं। एक साधु इतना अच्छा नेतृत्व कर रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं थी। लोग समझते साधु को क्या ज्ञान, साधु तो कमंडल लेकर घूम रहा है, इसकी बुद्धि उद्धि कुछ है नहीं। लेकिन उस साधु ने दिखा दिया कि कितनी बुद्धि है। दूसरा साधु रामदेव, बिजनेस में उसने दिखा दिया कि कितनी बुद्धि है, बिजनेस में फैलाया है, बड़ों बड़ों का पसीना छूट गया है। और साधु संत भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, परंतु वे राजनीति में जाना पसंद कम करते हैं। क्योंकि राजनीति में बहुत अपमान होता है, गालियां निःशुल्क मिलती हैं, अपमान भरपेट लोग करते हैं, और सहनशीलता बहुत होना चाहिए। और जो भक्तों के बीच में ज्यादा
प्रभावित हो गया वो अब राजनीति में प्रवेश करना कठिन है, क्योंकि राजनीति एक संघर्ष का पथ है, राष्ट्र की भक्ति है, और जो नहीं दुश्मन है वो भी तुमको दुश्मन मान लेगा। जिनको रुचि हो राजनीति कर सकते हैं, और जो राजनीति कर रहे हैं उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है कि आपके अंदर सहने की शक्ति, काम करने की क्षमता, देश के प्रति वफादारी, राष्ट्रभक्ति जागृत हो, ताकि ये देश बड़ी आशा लेकर खड़ा है और इनकी आशा को तुम पूर्ण कर सको। चाहे बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, सभी राजनेताओं को साहस, सहनशीलता, बुद्धि विवेक प्राप्त हो, ताकि वे देश की सेवा कर सके। सभी नेता खराब नहीं, सभी लुटेरे नहीं, ये भरम मत करना। सभी दुकानदार ठग नहीं, दाल में नमक तो सब खाते ही है। बहुत ईमानदार लोग संसार में है, उनको धन्यवाद भी दीजिए। जब उस व्यक्ति ने विज्ञान कक्ष बनाने का ऐलान किया, प्रिंसिपल ने उसको माला पहनाकर सम्मान किया, तो एक आदमी उठकर खड़ा हुआ। उसने कहा, ये विद्यालय है, विद्यालय में विद्या धनम सर्व धनम प्रधान, पत्रकार महोदय को भी व्यास का दिया आशीर्वाद देती है, न्यूज में समाचार देंगे, करोड़ों का कल्याण होगा, आशीर्वाद है। साहेब बंदगी बोलो, यदि कुर्सियां और हों तो लगा दी जाएं, ताकि कुछ भक्त हमारे बैठे हैं दल्लन आदि, इनका ध्यान हरीशदास और आदित्यदास दें। भक्त को पहचानो भी, क्योंकि भक्त सेवा करता है। अगर पहचान न सकोगे, दुकानदार ग्राहक को पहचानता है, नेता वोटर सपोर्टर को पहचानता है, गाय अपने मालिक को पहचानती है। अगर संत भक्त को नहीं पहचानेगा, रिश्ता टूट सकता है, संबंध छूट सकता है। पहचानो, भूलो मत, स्मरण शक्ति पर जोर डालो। मैं तो नाम बोल देता हूं बहुत लोगों के, लोगों का आश्चर्य होता, गुरु जी को इतने नाम कैसे याद है। मेरे को हजारों तो श्लोक याद है, और मैंने एक बार याद किया था 25-30 साल पहले, तब से याद है, रोज हम नहीं पढ़ते। और लाखों नाम याद है, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, क्योंकि भक्त को यदि भगवान भूल जाएंगे और शिष्य को यदि गुरु भूल जाएंगे, तो इनका कल्याण कैसे होगा। महान भक्तों को याद रखो गुरुदेव, इनको आशीर्वाद दो गुरुदेव, साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, सीधे बैठ जाओ। एक व्यक्ति ने कहा कि विद्यालय में विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, ये फार्मूला है। विद्या धन सभी धन से श्रेष्ठ धन है, क्योंकि नीतिकार कहता है, न चोर हार्यम न च भ्रात भाज्यम न च राजहार्यम, व्यय कृते वर्धते यो नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम।
चोर चुरा नहीं सकता, ऐसा धन है विद्या धन, राजा छीन नहीं सकता, आहा हा, ऐसा है विद्या धन, भाई बांट नहीं सकता, ऐसा है विद्या धन, और जितना खर्च करो उतना बढ़ता है, ऐसा है विद्या धन। वे कृते वर्धते ये नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। बहुत बड़ी बात, जितना व्यय करोगे उतना विद्या बढ़ेगी। और धन का भी हाल वही है, दान करने से धन बढ़ता है, दारू पीने से धन घटता है। मैं जितना अधिक प्रवचन करूंगा मेरा ज्ञान बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि प्रवचन कर दूंगा तो ज्ञान कम हो जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। और आप जितना दान करोगे आपका भी धन बढ़ेगा, दान करने से धन बढ़ेगा। जैसे गेहूं खेत में बोने से बढ़ता है, और गेहूं को भून दो, भून देने से नहीं बढ़ता है। आप कढ़ाई में गेहूं भून दो या आग में डाल दो, एक कुंटल गेहूं जला दो तो नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही धन खर्च करके यदि दारू पियो, जुआ खेलो तो धन नहीं बढ़ेगा, तो समझो तुमने भून दिया उसको। लेकिन धन को दान करो तो दान करना ऐसे है जैसे गेहूं को खेत में बो देना, और एक कुंटल बोओगे तो 100 कुंटल वापस आएगा, और 1 रुपया दान दोगे तो 10 गुना वापस लौट कर आएगा। अगर ऐसा ना होता तो सभी दानी आज तक कंगाल हो गए होते, कंगाल हो गए होते।